हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप गाइज, जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हैं, हाउ टू ग्रो योर एजेंसी रियली रियली फास्ट गाइज। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, फिर एजेंसी तक स्केल कर लेते हैं अपने बिजनेस को विद इन वन ईयर और टू ईयर्स और विद इन सिक्स मंथ्स। गाइज वो ऐसे क्या मार्केट पेनिट्रेशन या तो ऐसा क्या कस्टमर एक्विजिशन टेक्निक्स या ऐसा क्या अपने टीम बिल्डिंग के अंदर ऐसा क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं कि दैट दे ग्रो वेरी रियली 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 फास्ट। तो गाइज इसी चीज पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यू नो एजेंसी मार्केट इज रियली 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 बिग। क्या नहीं यहां लोग कर रहे हैं, फ्रॉम वेबसाइट डिजाइनिंग टू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, एड मैनेजमेंट, मीडिया बाइंग, न जाने कितने सारे सर्विसेज हैं गाइज। जब आप इस इंडस्ट्री में लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोर्स खत्म कर लिए या कहीं पे जॉब कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है एंड यू वांट टू बी योर ओन बॉस, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब पहली बार उतरते हो, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि कैसे ये कौन से सर्विसेज है, ऐसे कौन से सर्विसेज है जिन्हें मैं पिक करूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे पहला टेक्निक है गाइज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू माइक्रो निश योर सर्विसेज। तो गाइज माइक्रो निशिंग सर्विसेज क्या है गाइज? सबसे पहले गाइज लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर ए एसईओ कंपनी और आप एक एसईओ कंपनी बिल्ड करना चाहते हो और आपके पास लेट्स से 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो या खुद का ब्लॉग मैनेज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक एसईओ इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूं। सो गाइज आप जब आप अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट करोगे गाइज आपको बहुत सारे काम मिलेगा। जैसे कोई somebody will come and tell me कि हमारा कोई B2B टेक स्टार्टअप है, हमको अपने वेबसाइट के ऊपर SEO इंप्लीमेंट करना है। सो गाइज ये इस तरह के अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारा स्ट्रैटेजी जाता है, बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत सारा कंसल्टिंग जाता है, बहुत सारा बैक एंड फॉर डिस्कशन आपको करना होता है अपने क्लाइंट के साथ टू कम विद अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। प्लस इन सारे चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए गाइज बहुत सारा एक्सपीरियंस भी चाहिए। सो गाइज एंड टू एंड इस तरह के सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफकोर्स आपके पास एक एक्सपीरियंस टीम भी होना मांगता है। सो गाइज नाउ आई विल बी डिस्कसिंग कि इस जैसे बड़े इंडस्ट्री के अंदर जहां पे इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, आप किस तरह से अपना पहला कदम रखोगे और किस तरह से पहला पेनिट्रेशन लोगे। सो गाइज दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो निशिंग योर सर्विसेज। गाइज आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, सर्विसेज के अंदर, जिनका बहुत ज्यादा पॉपुलर है, डिमांड भी है लेकिन सप्लाई नहीं है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसईओ इंडस्ट्री की बात करूं, सर्विसेज सच एज यू नो वेबसाइट साइट ऑडिट सर्विसेज गाइस, ये एक ऐसा सर्विस है जिसे आप इमीडिएट बेसिस पे एक आधे घंटे में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके डिलीवर कर सकते हो एक एसईओ साइट ऑडिट रिपोर्ट एंड मेक समवेयर अराउंड 1,000 to 3,000 rupees। गाइस ज्यादा हेडेक भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यू नो बैक एंड फोर्थ क्लाइंट के साथ मंथली बेसिस पे आपका रिटेनर मॉडल चल रहा है, मंथली इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, क्लाइंट को रिटेन करने का टेंशन। सो गाइज इस जैसे हसल बसल इंडस्ट्री के अंदर यू हैव टू फिगर आउट सम सर्विसेज जो कि आपको पहला कदम इस इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे माइक्रो सर्विसेज, जैसे हो गए ई बुक राइटिंग सर्विसेज, इंफोग्राफिक सर्विसेज, सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट सर्विसेज, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, एसईओ साइट ऑडिट सर्विसेज। जैसे अगर और माइक्रो करूं तो ई कॉमर्स एसईओ सर्विसेज, शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज, हेल लॉट ऑफ सर्विसेज गाइज। कीवर्ड रिसर्च एक पोटेंशियली एक सर्विस है गाइज। बहुत सारे कंपनीज है जो कि कीवर्ड रिसर्च एक्टिविटी को आउटसोर्स करना चाहते हैं, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च एक्टिविटी को। बहुत सारे कंपनीज है दोजो जस्ट वांट टू आउटसोर्स लैंडिंग पेज बिल्डिंग। तो गाइज पूरे वेबसाइट बिल्ड करने का तामझाम का टेंशन नहीं है, जस्ट लैंडिंग पेज। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं दैट विल जस्ट नीड बैकलिंक क्रिएशन सर्विसेज। सो गाइज अगर आपको लग रहा है कि राइट नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है, देन स्टार्ट विथ माइक्रो सर्विसेज गाइज। यू नो इस इंडस्ट्री में घुसना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर घुसते जाओगे, आपके दरवाजे, आपके नेटवर्क, आपके कनेक्शंस, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल इंक्रीज होता जाएगा और यू बिकम मैच्योर टू ग्रैब बिगर प्रोजेक्ट। गाइज जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था, ट्रस्ट मी गाइज, सबसे पहले आई यूज टू डिलीवर जस्ट कंटेंट और वेबसाइट। जब मैं डिलीवर करना लगा तो गाइज मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए जिनको मैंने कंटेंट दिया है, बहुत सारे वेबसाइट्स हो गए जिनके क्लाइंट्स हो गए जिनके लिए वेबसाइट्स बनाया। द नेक्स्ट लेवल वाज अपसेलिंग देम। अपसेलिंग मतलब जितने मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स जिनको मैंने वेबसाइट बना के दिया है, आई अपसोल्ड देम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको मैंने वेब पेज कंटेंट बना के दिया है प्राइमरी टू टेक्निकल इंडस्ट्री, उनको मैंने ईबुक के सर्विसेज मैंने प्रमोट किए। सो गाइज स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट फास्ट।
स्टार्ट फास्ट गाइस, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट फास्ट। हो सकता है रेवेन्यू इन द बिगिनिंग थोड़ा कम हो, लेकिन चलता है बॉस, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, नेवर डाइंग इंडस्ट्री, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है ये गाइस। इंडस्ट्री डामाडोल हो जाए, लेकिन भाई सबको लीड्स चाहिए, सबको सेल्स चाहिए। मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री दैट नेवर गोज डाउन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन गाइज इफ यू कैन नॉट रन, एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग। इफ यू जस्ट कांट वॉक, एटलीस्ट लर्न हाउ टू क्रॉल इन टू दिस इंडस्ट्री। छोटे छोटे सर्विसेज से दो, वेब पेज राइटिंग से सर्विसेज दो, कॉपी राइटिंग से अपना सर्विस को स्टार्ट करो गाइज। एटलीस्ट यू शुड मेक अ पाथ एज सुन एज पॉसिबल इन टू दिस इंडस्ट्री। तो गाइज सबसे पहला पॉइंट है माइक्रो नीश योर सर्विसेज। और ये जो सर्विसेज है ना, ये छोटे सर्विसेज हैं, मतलब समबडी हु इज एब्सोल्यूट या बिगिनर, वो भी एक एसईओ साइट का ऑडिट रिपोर्ट पीपीटी पे बना सकता है। जैसे आप अभी स्टार्ट कर रहे हो बैकलिंक क्रिएशन का सर्विस, कोई भी एक नया बंदा है, ही कैन एटलीस्ट क्रिएट अ 50-100 बैकलिंक्स इन अ डे, राइट। अगर कोई बंदा है अभी कंप्लीटली, उसे एक लॉजिस्टिक कंपनी का एक पोर्टल बनाना नहीं आता है, आपके इतना एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर नॉट ए कोडर, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग लैंडिंग पेजेस। 2,000 to 3,000 रुपीज में आप लैंडिंग पेज बिल्ड करके दे सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, इट वर्क्स। बहुत सारे बड़े फ्रीलांसर्स, बड़े एजेंसीज का आप टाई अप कर सकते हो फॉर दिस माइक्रो सर्विसेज। सो पहला पॉइंट है गाइज, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ माइक्रो सर्विसेज। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं एसईओ सर्विसेज कीवर्ड का वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन देखूं तो बहुत हाई है, लेकिन मैं एसईओ ऑडिट सर्विसेस, वेबसाइट ऑडिट सर्विसेज, इनका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। दैट मींस नॉट बिग कंपनीज आर कॉम्पिटिंग फॉर दिस कीवर्ड। तो इस पर्टिकुलर जैसे कीवर्ड, माइक्रो सर्विस कीवर्ड के लिए आप इमीडिएटली एक लैंडिंग पेज अपने वेबसाइट पे बना के ग्लोबली फर्स्ट पेज पे आ सकते हो, जैसे कॉन्टेंट राइटिंग सर्विसेस एक बहुत स्ट्रांग नीश है, पॉपुलरिटी पॉपुलर नीश है, कॉम्पिटिशन ही बहुत ज्यादा है। लेकिन ई बुक राइटिंग सर्विसेस, केस स्टडी राइटिंग सर्विसेज, नो बॉस, देयर इज लेस कॉम्पिटिशन। इस तरह कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड पे अपने सर्विसेज को डिजाइन करके अगर रैंक करोगे ना, इमिडिएटली रैंक भी हो जाओगे और इमिडिएटली एक क्लाइंट को अक्वायर भी करोगे। हो सकता है कि एक क्लाइंट अक्वायर होने के बाद अगर आपका उनका आपका वो छोटा सा माइक्रो सर्विस का डिलीवरी अच्छा लगा तो हो सकता है वो आपको आपके सर्विसेज को अपग्रेड करवाए, राइट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग टू स्टेप इन टू दिस इंडस्ट्री, गो विथ माइक्रो सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट, हाउ यू कैन ग्रो रियली फास्ट गाइस। ग्रोइंग रियली फास्ट इन दिस इंडस्ट्री, यू हैव टू माइक्रो निश योर मार्केट। तो गाइस माइक्रो निशिंग मार्केट मतलब क्या होता है, जस्ट स्टार्ट गिविंग अ स्पेसिफिक सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। मतलब यू क्रिएट वेबसाइट्स ओनली एंड ओनली फॉर वेलनेस इंडस्ट्री, यू create Facebook or social media pages only and only for health industry, you create websites only and only for influencers and trainers and coaches, just run Facebook ads for real estate company। So guys इसे कहा जाता है micro niching your market। Trust me guys, आज के डेट पे मेरे पास 10 अलग अलग पोर्टफोलियो बने हुए हैं। अगर मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज देता हूं तो आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। When आई एम सेटिंग ए वेबसाइट डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो, जब भी मैं कोई क्लाइंट को भेजता हूं तो कंप्लीट जो वन पेजर टू पेजर पोर्टफोलियो होता है उसका कंप्लीट जो डिजाइन, उसके जो इमेजेस, उसका जो बैकड्रॉप का इमेज होता है, इट इज कंप्लीटली रेजोनेटिंग टू द सर्विस और टू द पर्सोना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेस्टोरेंट या तो एक 3-star 2-star होटल को अगर मैं उनके वेबसाइट का प्रपोजल भेज रहा हूं तो कंप्लीट टू पेजर प्रोफाइल में गाइज जो बैकड्रॉप, जो हेडर होता है, जो पोर्टफोलियो का, द इमेजेस दैट आई यूज, इट इज एब्सोल्युटली होटल्स के इमेजेस होते हैं, होटल्स के लैंडिंग पेजेस के स्क्रीनशॉट्स होते हैं। तो गाइज जब आपका क्लाइंट 3-4 पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं, कंसिडर करता है, योर पोर्टफोलियो विल स्टैंड आउट। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, निश डाउन योर मार्केट। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे चीजों में ऑलरेडी हो, देन मेक श्योर कि आप अपने वेबसाइट के अंदर या अपने टोटल आपका जो ग्रांट पोर्टफोलियो, जो आपका मास्टर पोर्टफोलियो, उसको ब्रेक डाउन करके, उसको सेग्रीगेट करके सारे इंडस्ट्री के लिए आप इंडिविजुअल लेवल पे यूनिक एंड पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जल्दी हायर करें, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट करें, अगर आप चाहते हो कि अगर लोग आपको एक प्रीमियम प्राइस दें, नोबडी वर्क्स with a generalist right now, everybody wants to be a specialist। तो guys specialist होने से पहले एटलीस्ट अपने आपको specialist showcase करना तो सीख लो मेरे दोस्त। So guys the second point, if you want to grow your freelance business or your agency really really fast, micro niche your market।
सो गाइस थर्ड पॉइंट फोकस ऑन इनबाउंड लीड्स गाइस। आपका सिर्फ एक ही मिशन होना चाहिए एज एन एजेंसी, हाउ यू कैन जनरेट और क्रिएट अ सिस्टम जहां पे इनबाउंड लीड्स आ रहे हैं। आज के डेट पे यार फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, दे जस्ट डू फिशिंग। मतलब यार बैठे रहते हैं कोई फेसबुक ग्रुप में, जैसे ही कोई कमेंट कर रहा है जाते हैं वहां पे अपना पोर्टफोलियो और वहां पे कोल्ड पिच करने लगते हैं। बहुत सारे वेबसाइट डिजाइनर्स है जो इंडिया मार्ट जस्ट डायल पे डिपेंड होते हैं। गाइज आपको पता है जस्ट डायल और इंडिया मार्ट एक बड़ा स्कैम है, वो अपने आप में एक बड़ा सर्च इंजिन है। जब कोई भी लीड जनरेट होता है इंडिया मार्ट या जस्ट डायल के ऊपर, आप जैसे बहुत सारे लोगों को वो लीड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देन अगेन यू आर फाइटिंग विद रेस्ट ऑफ द पीपल। सो गाइज आपको मेक श्योर करना है किस तरह से आप एक इनबाउंड लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से मैंने अपने कैंपेन्स को डिजाइन किया है, मेरे कैंपेन्स के अंदर ऐसे क्या फीडर्स हैं, कैसे क्या लीड मैग्नेट्स हैं, ऐसे क्या फ्रीबीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आपने, अगर आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, क्या आपके पास चीट शीट्स और गाइड्स हैं, लीड जनरेशन गाइड फॉर रियल इस्टेट एजेंट्स। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई कोचिंग इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, एजुकेशन इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, डू यू हैव अ लीड मैग्नेट, हाउ टू जनरेट इनबाउंड लीड्स फॉर मोर एडमिशंस। इस तरह के जब आप 7-8 पेजर छोटे छोटे लीड मैग्नेट डिजाइन करोगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म वेर योर कस्टमर्स आर स्पेंडिंग टाइम, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, गूगल पे, ईमेल पे, तो गाइज यू नो आपका जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट होगा वो अट्रैक्ट होगा। यू आर गेनिंग देयर अटेंशन, दे विल कम टू योर लैंडिंग पेज, डाउनलोड दैट फ्रीकिंग स्मॉल फ्रीबी जो कि एक चीट शीट हो सकता है, एक केस स्टडी हो सकता है, राइट, एक स्वाइप फाइल हो सकता है, एक फ्री ट्यूटोरियल हो सकता है, एक फ्री ईमेल कोर्स हो सकता है। सो गाइज दीज आर योर एसेट्स, ये आपके बिजनेस के एसेट्स हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। एक फ्री कंसल्टेशन हो सकता है, फ्री साइट ऑडिट हो सकता है, फ्री सोशल मीडिया ऑडिट हो सकता है। तो गाइज जस्ट फोकस ऑन जनरेटिंग यू नो इनबाउंड लीड्स। आपको इस तरह के पोटेंशियल कॉन्सेप्चुअल हाई वैल्यू डॉक्यूमेंट्स कंटेंट बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट, अक्रॉस द ग्लोब कैंपेन के थ्रू, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर बेस को टारगेट करके उन्हें भेजना है, राइट। दिस इज कॉल्ड द फनल स्ट्रैटेजी। इट इज वेरी सिंपल, क्रिएटिंग लीड्स इन एन ऑटो पायलट मोड। गाइज इनबाउंड स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है यार आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप यू नो फिशिंग की तरह आप कांटा लगा के बैठे हो, कब भगवान दया करे और कोई मछली आके फंस जाए, ऐसे नहीं होता है दोस्त। दिस इज कॉल्ड एज कर्मा मोड बिजनेस। कर्म अच्छे हैं तो बिजनेस चलेगा। सो गाइज दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो गाइज पॉइंट नंबर फोर गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड बहुत सारे, ये तो मतलब एक बहुत आई ओपनिंग फैक्ट आपके सामने आज मैं बोल रहा हूँ गाइज। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो यूट्यूब पे देखते हैं मेरे को फ्रीलांसिंग करना है, मेरे को अफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करना है, एंड यू कम डाउन एंड स्टार्ट अ बिजनेस। जब कोई जूनियर बिजनेस ओनर या तो न्यूबी बिगिनर एंटरप्रेन्योर से मैं बात करता हूँ, नो मैटर वो कोई IIT से है या NIT से है, दैट डजंट मैटर, मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया क्यों बिजनेस कर रहे हो, दे विल जस्ट से हे आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी। ट्रस्ट मी गाइज दिस इज वेयर यू आर लूजिंग द गेम। अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप के इंडस्ट्री के अंदर आने का एकमात्र प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है मेकिंग मनी, यू विल फॉल फ्लैट, यू विल फॉल फ्लैट। क्योंकि गाइज यू नो आप फ्रूट को देख के आ रहे हो, गाइज रूट में दम होना चाहिए, रूट पे दम होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। मनी एज अ फ्रूट इज द लास्ट थिंग दैट ग्रोज ऑन द ट्री। आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अगर मनी है, यू फॉल फ्लैट, योर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर शुड बी टू सॉल्व अ स्पेसिफिक चैलेंज और ए प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेस्परेट हो, इफ यू आर रियली रियली सीरियस, अगर एक प्रॉब्लम आपको नाइटमेयर दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि एक बिग प्रॉब्लम है, इसको मुझे सॉल्व करना ही करना है। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनीज एंड इंडस्ट्री, इनका लीड जनरेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दे रन फ्रीकिंग गूगल एड्स एंड जनरेट लीड्स एट 2,000-3,000 रुपीज। लीड कॉस्ट इनका इतना बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। आज के डेट पे एजुकेशन इंडस्ट्री का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेटअप, ऑनलाइन लीड जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एजेंट्स लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, दे जस्ट गोइंग ऑन
कोल्ड कॉलिंग एवरी सिंगल डे, इनका मेन प्रॉब्लम है कोल्ड कॉल। तो गाइज अगर इस इंडस्ट्री के अंदर इफ यू आर डेस्परेट टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू विल नेल इट। गाइज वी मेक मनी इट्स नॉट बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक मनी, वी मेक मनी बिकॉज वी सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्या ऐसा प्रॉब्लम है गाइज आपके टारगेट इंडस्ट्री के अंदर जिसको आप टारगेट कर रहे हो? अगर आप कंफ्यूज हो कि ऐसे कौन से इंडस्ट्री हैं जिसको आप टारगेट करोगे, एनालाइज करोगे, तो गाइज आई बटन पे एक मैंने वीडियो बनाया, ऐसे कौन से कंपनीज है जिनके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का बजट बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत अग्रेसिवली हायर करते हैं और हाई पेइंग क्लाइंट्स, हाई पेइंग कंसल्टेंट्स और हाई यू नो हाई टिकट एजेंसीज को भी हायर कर लेते हैं, ऐसे कौन से इंडस्ट्री, आई बटन पे देख सकते हो। बट गाइज मेक ए नोट्स राइट नाउ, आई एम हियर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। लिखो अभी कमेंट पे आई एम हियर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। गाइज पीपल विल ओनली पे यू व्हेन यू गिव अ सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। नो मैटर गाइज आप कोई IIT से हो, NIT से हो, वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज, आपका क्या सर्टिफिकेशन है, नो मैटर वॉट, अगर आपके सर्विसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है you will not survive. So primary motivating factor shouldn't be money, the primary motivating factor should be solving a problem. So guys comment karo I am here to solve a problem. So guys the next important factor that you need to understand jo ki aapke business ko skyrocket kar sakta hai is teaching your services and its value absolutely free of cost. Guys educate people, jaise guys abhi main kya kar raha hu, I am trying to educate the market. एजुकेट दी मार्केट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कंसल्टेंट हो, क्या आप ट्रेमेंडस वे से वीडियोज बना रहे हो हाउ टू जनरेट लीड्स इन रियल इस्टेट, हाउ टू सेल 2BHK फ्लैट्स इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट? टॉप 10 सेल्स स्क्रिप्ट दैट विल इमीडिएटली गिव यू साइट विजिट्स, 10 मिस्टेक्स, कोल्ड कॉलिंग मिस्टेक्स एजेंट्स डू, ओके, हाउ टू सेटअप ए रियल इस्टेट फेसबुक पेज। गाइज ये सारे जो वैल्यूएबल कॉन्टेंट है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके आपके निश के अंदर आपके थॉट लीडरशिप बिल्ड करेगा, इट विल शोकेस कि आप एक एक्सपर्ट हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज वाई विल समबडी बाई फ्रॉम यू, हायर यू इफ दे डोंट नो यू। गाइज आपका इस तरह के एजुकेशनल कॉन्टेंट आपको आपके निश में आपको स्टैंड आउट कराएंगे, पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू, पीपल विल बिलीव यू आर एन एक्सपर्ट। और आप किसके साथ बिजनेस करना चाहते हो, एक एक्सपर्ट से, राइट? एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू बिजनेस विद एन एक्सपर्ट। तो गाइज अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक कंसल्टेंट हो, तो गाइज इंस्टाग्राम रील्स, लिंक्डइन लाइव, फेसबुक लाइव, यूट्यूब को भरपूर यूज करो टू स्टार्ट टीचिंग द वैल्यू ऑफ द ऑफरिंग ऑफ द सर्विस दैट यू आर गिविंग। सिंपल सी बात है दोस्त, ठीक है? नाउ गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट गाइज, यू नो ये एक बहुत अंडररेटेड चीज है लेकिन बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, यू टाई अप विद अ फ्रेंड, यू टाई अप विद अ को फाउंडर, पार्टनर, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या लगता है, मैं अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ स्टार्ट कर दूं, आपको लगता है कि मेरे दोस्त के साथ स्टार्ट कर दूं। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू स्टार्ट अ बिजनेस in this industry, don't start with somebody having same skills. Never start a business with same skills. Agar main ek digital marketer hoon, I am very good at content marketing, I am very good at consulting, I am very good at ad campaign management, to main kabhi bhi ek aise bande ke sath tie up nahi karunga who is also having the same skill. Kya hota hai pata hai, eventually aapka kya hoga, you will end up clashing with each other. आपके थॉट्स क्लैश करेंगे जब आप कोई मीटिंग पे दोनों एक दूसरे के साथ मीटिंग पे बैठोगे ना, यू विल नॉट कम आउट विद सम डिफरेंट आइडिया, क्योंकि दोनों के पास आइडियाज तो सेम है। अगर मैं एक ऑपरेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूं, अगर मुझे बिजनेस करना है, देन आई विल हायर विद समबडी हु इज गुड एट सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। गाइज एक बिजनेस को रन करने के लिए गाइज मल्टीपल फंक्शंस चाहिए, राइट? यू नीड पीपल मैनेजर्स, यू नीड operational skills, you need sales, right? You need finance accounts. So guys, आपको ये चीज देखना है कि कभी भी आप किसी ऐसे बंदे के साथ अपने बिजनेस को co-found मत करो जिसके पास वही स्किल है जो आपके पास भी है। Find out complementary skills, guys. Complementary skill. अगर आप एक sales professional हो और आप agency build करना चाहते हो, then stick to your skills. Operational skills सीखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है, but don't try to deviate from your core skills. अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए, किसी ऐसे बंदे के साथ टाई अप करो जो डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेशंस पे परफेक्ट हो।
गाइस, जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, यू नो माय फाउंडर, माय को फाउंडर, माय सीनियर पार्टनर वाज एब्सोल्युटली इनटू सेल्स। मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था एंड आई वाज एन ऑपरेशनल गाय। तो जो भी लीड्स जनरेट होते थे हम लोग ऐसे क्लोज करते थे, राइट ऐसे क्लोज करते थे। राइट नाउ हम लोग और एक बिजनेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं वेर इट इज गोइंग टू बी अ टेक स्टार्टअप विच इज अ प्रोडक्ट कंपनी। तो गाइज हमारा इस पे जो को फाउंडर है ही इज अ टेकी, ही इज अ टेक जायंट। वो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है, ही इज मेकिंग दैट प्रोडक्ट, ही इज अ प्रोडक्ट गाय एंड आई एम द मार्केटिंग गाय, आई एम द मार्केटिंग गाय। सो गाइज यू नो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल विल ओनली टेक यू टू द पीक ऑफ सक्सेस गाइज। आपको यही ध्यान रखने गाइज। बहुत सारे छोटे बट बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स को मैंने डिस्कशन किया गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में। आशा करता हूं कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहा। यही सारे छोटे छोटे स्टेप्स है जो आपके बिजनेस को स्काई रॉकेट करेंगे गाइज। एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट गाइज, जैसे आप सभी को पता होगा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, जहां पे हम कंप्लीटली स्क्रैच से इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सिखाते हैं विथ रियल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, असाइनमेंट, कॉन्टेस्ट्स एंड इंटर्नशिप एंड ग्रूम करके, हैंड होल्ड करके, लाइव क्लासेस के थ्रू ग्रूम करके, हैंड होल्ड करके एक ऐसे पॉइंट पे लेके पहुंचाते हैं जहां पे वो एक्सिक्यूट कर सकते हैं यू नो वन हैंडेडली, सिंगल हैंडेडली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो स्क्रैच से लेकर के कंप्लीटली एडवांस लेवल प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो माइंडसेट देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली थ्रू लाइव क्लासेस वाया लाइफ टाइम डिजिटल मार्केटिंग मेंटोरिंग प्रोग्राम गाइज। एब्सोल्युटली लाइव, दैट इंक्लूड्स वोकेशनल ट्रेनिंग, दैट इंक्लूड्स लाइव क्लासेस, दैट इंक्लूड्स लाइव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेस टू माई लाइव कंसल्टिंग एडवाइजरी फॉर लाइफ टाइम। Guys, if you are curious to start your internet marketing business or internet marketing career in 2021, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन डाउनलोड द करिकुलम एंड फिक्स अ फ्री काउंसलिंग डायरेक्टली विथ मी। सो दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।